दोस्तों भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसी योजना चला रही है, एक ऐसी स्कीम चला रही है जिसमें आप लोगों को अपने लिए अपना एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड बनवाना होता है। और जैसे ही आप उस गवर्नमेंट आईडी कार्ड को बनवा लेते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट में हर महीने 3,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, वो गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर अपने कंप्यूटर से केवल 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं और उसके बाद आपको भी हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग को उस गवर्नमेंट आईडी कार्ड को बनाना है, कैसे आपको हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, सब कुछ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने गूगल ओपन कर लिया। अब हमें यहाँ पर सिंपली सर्च करना है मनधन। जी हाँ, मनधन सर्च करना है, मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। उसके बाद आपको सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। अब सर्च पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है मनधन की, आप देख सकते हैं। ध्यान रहे कि फर्जी वेबसाइट से दूर रहना है, ठीक है ना। तो मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको यहाँ पर सिंपली पहली वेबसाइट मनधन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेबसाइट लोडिंग हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हमें एक आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा गवर्नमेंट का। तो ये हमारे किसी काम का नहीं, हमें सिंपली यहाँ पर इसे कट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट का निशान है, इसे कट कर देना, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी काम की बात है, जो हमारे काम आने वाली, वो करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो की जो जान है ना, मतलब मुद्दे की बात, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब इस चीज को मिस मत करना, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर वेबसाइट ओपन होते ही हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे होम का, बैंक वगैरह का, मतलब बहुत सारे। तो हमें यहाँ पर जो हमारे काम का ऑप्शन है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन है सर्विसेज का। यहाँ पर मैं निशान लगाता हूँ सर्विसेज का, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ काम की बात करूंगा। सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मतलब क्लिक नहीं, एरो करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, है ना। तो अब आपको यहाँ पर सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा न्यू एनरोलमेंट का, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ओके का ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद लोडिंग होगा, तो आपको थोड़ा सा एक बार वेट करना है। अब आप देख सकते हैं पेज ओपन होते ही हमारे सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाते हैं। आप तीन तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे खुद अप्लाई करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से, तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं सेल्फ एनरोलमेंट यूजिंग मोबाइल नंबर ओटीपी, इस पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। मैं मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मोबाइल नंबर है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब हमें यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, हमें सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आप लोग देख सकते हैं लोडिंग कंप्लीट होते ही यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी हमने मोबाइल नंबर डाला उस पर ओटीपी गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ, जो भी ओटीपी आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ओटीपी है वो मैंने फिल कर दिया। अब हमें सिंपली यहाँ पर प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं प्रोसीड के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते ही दोबारा लोडिंग होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओटीपी डाल के प्रोसीड किया, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। अब आप लोगों को सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड आ चुका है, हमारा मोबाइल नंबर आ चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सर्विसेज का, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विसेज के ऑप्शन पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है आपके मोबाइल में थोड़ा सा अलग इंटरफेस दिखाए, तो कोशिश करें मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड में, यानी जैसे हम वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, वैसे मोड में आप ट्राई करें डेस्कटॉप मोड में डाल के, ठीक है। तो हमें सिंपली यहाँ पर पहला ऑप्शन एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं एनरोलमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनरोलमेंट पे क्लिक करते ही हमारे सामने दोबारा यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3 यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो आ चुकी है। ध्यान रहे, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप करना है आपको, क्योंकि भाई एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना। तो यहाँ पर तीन योजना आ जानी है हमें सिंपली। यहाँ पर पहला जो योजना है आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है ना, मानधन योजना, हमें इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा है।
अब आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ से आप यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम, मतलब कि क्या आपका पहले से ई श्रम कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं बना हुआ तो आपका नो पे क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे ही मैं आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करके दिखाता हूँ, नो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पे जाके अपना ई श्रम कार्ड बनाइए, क्योंकि जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा तो यहाँ पर भैया पहले से ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर बैक आ जाऊंगा और बैक आने के बाद आप मैं यहाँ पर सिंपली यस पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मेरा ई श्रम कार्ड बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यस पे क्लिक कर देता हूँ। यस पे क्लिक करते ही अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि क्या, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ई श्रम यानी यूएएन नंबर डाल देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। टेंशन मतलब अभी सब कुछ आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ कि क्या क्या डालना है। उसके बाद आपका नाम सिंपली जो भी आधार कार्ड में होगा उससे ये रजिस्टर डालेगा। ईमेल आईडी आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, उसे वेरीफाई करना है, ध्यान रहे वेरीफाई करते हुए ओटीपी जरूर डालना है, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ आ कि भाई इतने तो आप लोग समझदार हो ही ना, यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल दो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपना एड्रेस वेरिफिकेशन डाल देना, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है, और जो भी है, डू यू बिलोंग टू नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, यस और नो का यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दे रहा हूँ। अदर कैटेगरी का भी आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते। उसके बाद आपके सामने नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया अदर डिटेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी आ गया और यहाँ पर आ गया सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, मतलब कि आप काम क्या करते हो, जो भी आप काम करते हो भैया वो डाल दो। उसके बाद आप देख सकते हैं वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ एनपीएस, अगर आप इसमें बिलोंग करते हो यस तो यस कर देना, नो तो नो कर देना। वेदर इनकम टैक्स पेयर, क्या आप इनकम टैक्स देते हो भैया, अगर आप देते हो तो यस करिए वरना नो करिए। मेरी मानो तो नो ही करना, इनकम टैक्स अगर तुम देते होते तो यहाँ पर 3,000 रुपए के लिए नहीं आते, है ना। मतलब समझिए मैं प्यार से कह रहा हूँ आप लोगों को कि भाई अगर हम इनकम टैक्स हम देते ही होते तो 3,000 रुपए के लिए यहाँ क्यों आते, है ना। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसेंट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। कंसेंट पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाई देता हूँ ना बिल्कुल लाइव। कंसेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। समझ आ गया आप लोग, कंसेंट पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक। अब देखिए सबमिट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर दूसरे वाले स्टेप पर आ जाओगे। आपको बता दूं यहाँ पर टोटल 6 स्टेप्स हैं, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। पहला एनरोलमेंट फॉर्म जो कि मैंने आपको बताया, दूसरा फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल, तीसरा डाउनलोड मैंडेट फॉर्म, चौथा अपलोड मैंडेट फॉर्म, पांचवा पेमेंट, छठा डाउनलोड कार्ड। मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस है, समझिए। मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, एक स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया, जो सबसे मुश्किल स्टेप था ना वही मैंने आप लोग क्लियर कर दिया। दूसरा स्टेप पे जैसे ही आप वहां पर सबमिट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना बैंक डिटेल और नॉमिनी डिटेल डाल देना है, ठीक है ना, जो भी आप बैंक अकाउंट वगैरह डालना चाहो। तीसरा स्टेप, यहाँ पर आपको एक मैंडेट फॉर्म होता है, मतलब कि जैसे ही आप यहाँ पर सब कुछ भर दोगे ना तो एक फॉर्म डाउनलोड होगा, वो आपको फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बहुत इजी है, मतलब इतने तो आप समझदार हो कि ये कर लोगे। चौथा स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपलोड मैंडेट फॉर्म, मतलब कि जो यहाँ से यानी तीसरे स्टेप से हमने फॉर्म डाउनलोड किया वो यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देना है, बहुत ईजी, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा स्टेप, हमें यहाँ पर पेमेंट करनी है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, छोटी सी पेमेंट करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कितनी पेमेंट करनी है। पेमेंट आप लोगों को ज्यादा नहीं, एक छोटी सी पेमेंट करनी पड़ेगी, वो है ना एज पर डिपेंड करता है, जैसे जो भी आपका होगा, ज्यादा नहीं, मतलब 50-150 रुपए कुछ इसी के बीच पेमेंट होगी, वो आपको करनी है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करके अपना कार्ड डाउनलोड कर लेना, मतलब मैंने आप लोगों को कम टाइम में बिल्कुल जो बिल्कुल अच्छा प्रोसेस है ना वो मैंने आप लोगों को बता दिया, सब कुछ यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। एक और काम की बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पर सिंपली दोबारा सर्विसेज पे आप आओगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करके आप यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आपको सिंपली यहाँ पर पेंशन अकाउंट नंबर मिल जाएगा, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ। अकाउंट नंबर यहाँ फिल करना है, कैप्चा फिल करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, समझ आ गया। तो पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेप मैंने आप लोग को आसान भाषा में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।